प्रेफरेंसेस एंड हेल्प। हेल्प ऑप्शन से सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कीज के बारे में जानकारी मिल सकती है। सॉफ्टवेयर का यूजर मैनुअल और ट्रेनिंग वीडियोस भी यहां से एक्सेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा अबाउट सेक्शन में सॉफ्टवेयर का वर्जन और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे डिटेल्स देखे जा सकते हैं। अब प्रेफरेंसेस ऑप्शन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज और कैनवास एरिया का रूलर यूनिट जनरल टैब में सेट कर सकते हैं। यहाँ सेट किए हुए यूनिट्स में रूलर डिस्प्ले होती है। यूजर इंटरफेस की सेटिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर की कलर थीम और डिजाइन एरिया के टैब्स का लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ लेआउट्स के कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं। लेआउट ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया मैनुअल एल्बम क्रिएशन पार्ट 1 वीडियो देखिए। डिजाइनिंग विंडो में मौजूद रूलर और अलाइनमेंट टूल्स को शो या हाइड करने से डिजाइन करते समय आपको प्रिसाइज वर्किंग एरिया मिलता है। डिजाइनिंग करते समय आपको कुछ हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं जिन्हें आप एक्शन टैब में मैनेज कर सकते हैं। इन टैब्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया आप मैनुअल एल्बम क्रिएशन पार्ट 1 वीडियो देखिए। प्रेफरेंसेस में आखिरी टैब है फोटोशॉप। अगर आप एल्बम एक्सप्रेस के साथ फोटोशॉप के टूल्स फोटो एडिटिंग और डिजाइनिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप यहां से आपके पीसी में मौजूद फोटोशॉप के लोकेशन फोल्डर का पाथ सेट कर सकते हैं। इससे आप फोटोशॉप को फास्टर एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने प्रेफरेंसेस सेट कर लिए हैं और इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए ओके पे क्लिक कीजिए और सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट कीजिए। आप जब एल्बम एक्सप्रेस के पुराने वर्जन से नए वर्जन में शिफ्ट होते हैं, तब एल्बम एक्सप्रेस में दिया गया ये इंपोर्ट ऑप्शन इस्तेमाल करके आप एल्बम के पुराने वर्जन में रखे हुए टेम्पलेट्स, डेकोर्स, प्रोजेक्ट पाथ, प्रोजेक्ट मटेरियल इस वर्जन में इंपोर्ट करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस पुराने एल्बम एक्सप्रेस वर्जन के फोल्डर का पाथ यहाँ से सिलेक्ट करना है और आप बिना रुके आपके पसंदीदा डेकोर्स और टेम्पलेट्स नए वर्जन में इस्तेमाल कर पाएंगे।